तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पांच ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने सिविल स्कोर को आसानी से इंक्रीज कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कहीं भी अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो तो आपका जो मेन पॉइंट होता है, आपका जो मेन चीज होता है, वो होता है आपका सिविल स्कोर। ओके, आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आपका जो लोन है वो नॉट एलिजिबल बता दिया जाता है, और आपके सिविल स्कोर के बेस्ट पे ही आपका जो क्रेडिट लिमिट हो चाहे लोन की लिमिट हो वो डिफाइंड किया जाता है कि आपको कितने का लोन मिलेगा। आपका सिविल स्कोर 750 प्लस रहता है तो आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम रहता है तो भी अच्छा खासा ही देखने को मिलता है, लेकिन उतना अच्छा लिमिट आपको नहीं मिलता है जितना आपको 750 प्लस सिविल स्कोर वाले को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पांच ऐसे ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपने सिविल स्कोर को आसानी से और काफी जल्दी, मतलब काफी फास्टली में ग्रो कर सकते हो और आपका सिविल स्कोर 750 प्लस आसानी से हो जाएगा। ओके, इसके लिए आपको पांच रूल फॉलो करने होते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले रूल की तरफ कि आपको पहला रूल आपको कौन सा फॉलो करना होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि अगर आप कहीं से भी लोन लेते हो ना, तो आप जो अपना EMI सेट करते हो उसका टेनर, मतलब जैसे 15 महीने के लिए रखते हो, चाहे 30 महीने के लिए या 24 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेनर जो होता है ना वो 60 महीने के लिए होता है। अगर आप 15,000 रुपये लोन ले रहे हो तो बहुत से बहुत आप 3 महीने का अगर टेनर रखते हो ना, तो वहां पे आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ही जल्द मतलब इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, और वहीं पे अगर आप 15,000 रुपया लोन ले रहे हो और 15 महीने के लिए अगर आप टेनर दे रहे हो तो आपका सिविल स्कोर नहीं के बराबर इंक्रीज करने का चांसेस रहता है। तो आपका सिविल स्कोर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कहीं से भी लोन लेते हो तो कितने लोन पे आप कितने दिनों का टेनर रखते हो। 15,000 के लिए आप 15 महीने का टेनर रख रहे हो, उस स्थिति में कोई भी कंपनी होगा वो आपका सिविल स्कोर जल्दी इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ओके, तो सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टेनर पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आप जितना कम हो सके उतना कम से कम टेनर रखिए ताकि आपका जो सिविल स्कोर है जल्द से जल्द इंक्रीज कर जाए। ओके, और दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। दूसरे नंबर ये कि आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए अगर आप किसी अदर कंपनी से लोन लिए हो, सपोज SBI से अगर आप लोन लिए हो और उस कंपनी का लोन चल ही रहा है और फिर आप अप्लाई कर रहे हो HDFC बैंक में लोन, तो क्या होता है HDFC बैंक वाले क्या करता है, आपका लोन रिजेक्ट कर देता है। लोन रिजेक्ट करने से पहले वो सबसे पहले आपका जो है वो इंक्वायरी करता है, सिविल का इंक्वायरी। अगर आपका सिविल का इंक्वायरी हो गया है और साथ में वही कंपनी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है तो आपके सिविल पे वो बैड रिपोर्ट एड हो जाता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका जो लोन है वो SBI में चल रहा है तो सबसे पहले आप SBI का लोन क्लियर कर दीजिए। जैसे ही आप SBI का लोन क्लियर करोगे ना तो आपका सिविल स्कोर वो अपडेट कर देगा। जैसे ही वो सिविल अपडेट करेगा तो बूस्ट करेगा सिविल, फिर आप दूसरे बैंक में अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो वो जो सिविल है वो आपको पहला नंबर इंक्वायरीज तो करेगा ही। इंक्वायरीज करने के बाद उनको पता चलेगा सिविल अच्छा है और लोन भी क्लियर है तो वो भी आपको लोन दे देगा। साथ में इस तरह से आप इंक्वायरीज तभी कर सकते हो जब पहले बैंक का लोन क्लियर हो, उस स्थिति में आपका सिविल खराब नहीं होगा और आसानी से इंक्रीज कर जाएगा। इंक्वायरीज कहने का मतलब ये कि इंक्वायरी का मतलब यह होता है कि अगर आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड के लिए हो चाहे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपका एलिजिबिलिटी चेक करता है। जो एलिजिबिलिटी चेक करता है ना उसी को आप इंक्वायरीज कह सकते हो। ओके, इंक्वायरीज का मतलब आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई किए हो वही एक इंक्वायरीज होती है। तो पहले बैंक में पहले आपका जो ड्यूज है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप दूसरे बैंक में इंक्वायरीज के लिए भेज सकते हो, तब आपके सिविल पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब तीसरे नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं हम कि तीसरा नंबर आपको कौन सा रूल फॉलो करने होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर जो रूल है वो ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हो ना तो उसका जो EMI है 4 दिन 5 दिन पहले अगर आप पैड कर देते हो तो वो कंपनी को एक ट्रस्ट बन जाता है कि नहीं ये बंदा अच्छा है और वो खुशी से आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ा भी देता है। ओके, ये आपका तीसरा रीजन हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सिविल स्कोर बढ़ाने के चौथे रीजन की तरफ। ओके, फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश करूंगा चौथा रीजन ये है कि अगर आप ये मतलब कहीं से भी अगर सिक्योर लोन लेते हो ना तो सिक्योर लोन में भी आपका जो सिविल स्कोर है वो फास्टली ग्रो करता है। जैसे आप सिक्योर लोन में आ जाता है, आपका कार आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, मोटरसाइकिल आ जाता है। जब आप लोन पे गाड़ी लेते हो, मोबाइल लेते हो, बाइक लेते हो ना, तो वहां पे भी आपका जो लोन है वो फास्टली ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ रूल कंप्लीट हो गया, आपको ये चार रूल कंप्लीट करने होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट, ऐसा कौन सा रूल आपको फॉलो करने हैं जिसकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है
वो आसानी से इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पचवे रूल की तरफ कि आपको पचवा रूल कौन सा फॉलो करने होंगे। तो फ्रेंड्स, पचवा रूल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं से भी लोन लिए हो ना, तो आपको सिबिल पे जाके चेक करना होगा कि आपका जो सिबिल है वो अपडेट हो रहा है या नहीं। अगर टाइम टू टाइम अगर आपका सिबिल अपडेट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले जो कंपनी आपका सिबिल अपडेट नहीं कर रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उस कंपनी को आपको भेजना है कि प्लीज आपका लोन मैंने क्लियर कर दिया है, कृपया करके आप हमारा सिबिल को अपडेट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।